करना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत महिला कल्याण अधिकारी शोनम शर्मा जी का। आइए जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। दिख रही है? हाँ, आप भी दिख रही हो। नहीं नहीं, मैं रखा हुआ है, आप खा लो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। ये ब्लॉग मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया है क्योंकि सुबह से फंक्शन चल रहा था जो मैंने कल बताया था, वो महिला सशक्तिकरण का, वो मैंने एम्पावरमेंट का, मिशन शक्ति का, उसमें मुझे मिला है एक अवार्ड और एक सर्टिफिकेट, वो भी दिखाऊंगी बाद में। और देखते हैं बाकी क्या क्या हो रहा है। अरे कहाँ चले गए ये सब? क्लास में चले गए। हाँ क्लास में देख के आते हैं। हाँ बताओ, व्लॉग चल रहा है, देखो मेरा ठीक से बोलना। कोई नहीं, बना दो। आओ देखते हैं क्या हो रहा है सब। डिसलाइक करा करो जितना कर मिले। मत करना फॉलो, बिगड़ जाओगे। सब्सक्राइब, शेयर, पढ़ लो। हाँ देखो कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, देखो देखो ये बात तो आंटी जी कॉलेज में बहुत कुछ होता है, बस अच्छी तरह क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। 6 लाख रुपए देके 500 सब्सक्राइबर लिए। चलो 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 चालू हो जाओ। अभी क्या बना रहे थे? आज हम बनाएंगे मुन्नो फ्राई, ठीक है। रेसिपी, नमक, मिर्ची, मसाला सब कुछ तैयार है, बस मुन्नो नहीं मिल रही है। कोई हो तो बताओ, इस वीडियो के जरिए हम आपको ये बताना चाह रहे हैं किसी की मुन्नो खा ली हो। व्यूज भी आएंगे नहीं, क्या फायदा। टाटा बाय बाय, लव यू गाइस। दो गर्लफ्रेंड कल इसके साथ हुआ है, बताओ। अरे ओए कल इसके साथ बड़ा पूरा हुआ। आओ बैठे। क्या हुआ? अंदर बैठो, बाहर आ जा। ऐसा हुआ था, धर्मेंद्र राजपूत 4 दिन से अपने दादा से बेत खा रहे हैं, इतनी बुरी तरह उल्टे लटकाए जा रहे हैं। कल बेचारे फट गए तो इन्हें लगा बहुत पिटूंगा, रीजन भी बताया। बच गए बेचारे की मम्मी, ये बहुत बुला समझाए। मम्मी बात सही है, पता क्या था, इस लड़की से बात करते रहे, उस लड़की के पापा दरोगा है। ऐसा ही है सॉरी। 1080 और उन्होंने इनके घर पे फोन कर दिया, बेटा आपका लड़का हमारी लड़की से बात करता है, जैसे कि उनकी लड़की नाई करती है। तो 4 दिन बेच रहे धर्मेंद्र राजपूत, 4 दिन सरकार का दिया। इतनी हिम्मत देखो लड़के की, फार्मेसी इतनी टफ है, लड़का 4 दिन बेच खा के पढ़ने आ रहा। और साली भी नहीं छोड़ी, इतना बेहरेम कॉलेज है, उससे 75% अटेंडेंस दिलवाई जा रही कि तू रोज आ कॉलेज 4 दिन बेच खाने के बाद। रोज आगा मुझे डाल मत, ये पता लगे उसके दुर्गा के बाप के पास पहुंच जाए। उसके बाप के पास पहुंच जाए, उसे हाथ पकड़ मेरे पास पहले आ जाए। पंडित घर को जा रही है, साथ में हम भी आ रहे हैं उन्हीं के साथ, हमारी बेइज्जती आज लगती हुई है काफी। यहाँ पे हम बहुत ही अच्छा सा महसूस कर रहे हैं। तेरा नाम ही बेइज्जती का वो है प्रायवाची। किसका? क्योंकि तू कहना जहाँ जहाँ नवजोत सिंह होगा वहाँ बेइज्जती होगी, तो मतलब तेरा नाम क्या? बेइज्जती तो करूँगा, बेइज्जती मेरी नहीं होगी, तुम्हारी होगी। चुप हो जा, चल। तो अभी फिलहाल सारा फंक्शन खत्म, अब हम लोग जा रहे हैं घर। बाय बाय। हाँ बाय बाय, लेट्स सी घर जाके क्या होने वाला है। किसी को कुछ कहना है? चलो सबको बाय बाय। तुम बहुत चमक रहे हो। अच्छा तो एक ब्लॉग में कहती है बाय बाय, तुम काउंटर लगा। हेलो गाइस, पीछे बाल उड़ रहे हैं, इनको जरा इग्नोर करो। तो अब घर आ चुके हैं, खाना वाना तो कुछ खाया नहीं क्योंकि लंच ही इतना लेट करा था, क्योंकि जब सारी वर्कशॉप्स ख़त्म हो गई उसके बाद फिर लंच किया। तो मम्मी मुझे चाय पराठे देती हैं, तो आज चारों अकेले मैंने ही खाए, क्योंकि आज मेरा कोई दोस्त नहीं आया था, ना गुप्ता आया था, ना दिलीप आया था, ना कोई और आया था, मतलब है तो मेरे दोस्त और भी, पर आज कोई नहीं आया था। गुप्ता दिलीप जो रोज़ आते हैं आज वो भी नहीं आए, तो
तो चारों पराठे मुझे अकेले खाने पड़े। जितना मुश्किल से मैंने खाए वो भी इंस्टॉलमेंट में, दो पहले खाए फिर दो थोड़े बाद में खाए। तो भाई गुप्ता दिलीप, ये तुमने ठीक नहीं करा आज नहीं आके, ये बाल उड़ रहे हैं यार। हाँ तो वर्कशॉप्स में क्या क्या हुआ? तो सबसे पहले जो हमारी वर्कशॉप थी वो थी महिला शक्ति के ऊपर। उन्होंने मतलब बताया कि कैसे आप खुद को कम ना समझें और आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाएं, जो सबको करना चाहिए। हालांकि मतलब मैं तो पहले से वैसी हूँ, पर सबको वैसे ही होना चाहिए। आप किसी की कोई गलत बात बर्दाश्त ना करें, ना खुद गलत बोलो ना गलत सुनो किसी की, साफ बात। और मतलब ये बताया कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो फिर उसको आप मतलब कैसे रोक सकते हैं, ये सब था वर्कशॉप में। एक आग के ऊपर था कि अगर इनकेस आप किसी आग में फंस जा रही हैं, आग लग जा रही है, आग भी जैसे अलग अलग टाइप की होती है, हर आग पानी से ही नहीं बुझती, तो उन्होंने वो सब बताया कि आप क्या क्या कर सकते हैं, जो वो होता है आग बुझाने वाला, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप सिंपल रेत का या मिट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि वो भी सेम वही काम करता है। और क्या था, फाइनेंशियल फ्रॉड जो हो रहे हैं तो फाइनेंशियल फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं वो उन्होंने बताया। और कौन सी वर्कशॉप थी, साइबर क्राइम, जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड इतने हो रहे हैं, उन सब के ऊपर था। फिर एट द एंड क्या हुआ, ये मिला सर्टिफिकेट, दिख रहा है क्या, इसे फ़ोटो शेयर कर दूँगी। तो ये दिया था मिसेस सौम्या अग्रवाल IAS हैं, जो बरेली की डिविजनल कमिश्नर बरेली UP, और थे डॉक्टर राकेश सिंह IPS इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मतलब IG, इन्होंने दिया बरेली रेंज के, ठीक है। और भी बहुत लोग आए थे जैसे CO City वगैरह, तो ये सब हुआ। तो बहुत अच्छे से वर्कशॉप रही आज की। अब देखो पता नहीं कब कॉलेज जाना हो, फिर मैं कल कॉलेज का मतलब फिर कॉलेज का ब्लॉग बनाऊँ। कल तो होगा जन्माष्टमी के ऊपर, सबको यहाँ पर जन्माष्टमी इन एडवांस, जैसे बहुत से लोगों ने आज भी मनाई है 6 तारीख को जन्माष्टमी, बट हम लोग कल मनाने वाले हैं, देखते हैं कल क्या होने वाला जन्माष्टमी पे। और क्या बताऊँ, बस यही हुआ आज। नवजोत ने बड़ा वो किया, तो कहते हैं उसको ट्रोल और रोस्ट जो भी कहते हैं वो, और जान के आज पता सबको बोल रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कह रहा आज का ब्लॉग तो पक्का देखने, क्योंकि उसको पता है आज मैं ये वाली क्लिप्स ऐड करने वाली हूँ, स्पेशली बोल के कि यार ये वाली क्लिप्स पक्का ऐड होनी चाहिए। तो मैंने चला कोई बात नहीं, दोस्त कर देते हैं। हाँ क्या कह रही हो, मम्मी बुला रही थी, तो मम्मी को भी बड़ा अच्छा लगा ये देख के, सर्टिफिकेट और शील्ड। अरे हाँ शील्ड तो मैंने दिखाई नहीं, तो यह है शील्ड, दिख रही है, ये थी शील्ड। तो ये सब हुआ। मेरी नानी मतलब मेरी बड़ी मम्मी है, नानी मुझसे कहा नहीं जाता उनको, मतलब बड़े पापा को भी जो मतलब नाना जी है मुझसे कहा नहीं जाता, मतलब बचपन से ही मैंने उनको बड़ी मम्मी और बड़े पापा ही कहा। हाँ बताओ अजंता आ रहा, तो भाई चलो दिखा दो अजंता भी कैसा दिखता है। आओ इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, जनता चलते हैं, कर के लिए मिठाई उठाई लिया, थोड़ी रोशनी पड़ती है तो ऐसा हो जाता है। आ रहा हूँ भैया, अरे अरे कहाँ जा रही हो, अरे मैं आ तो गया। हाँ ब्लॉग बना ही रहा था, मैं चलो यार कंटिन्यू ही कर दूँ। तो बताओ उसको मैं बता दो यार, चलो तुम भी आ गए तो ब्लॉग में, सर्टिफिकेट को वो कुछ बता दो। वेल डन। अच्छा बड़ी मी क्या कह रही थी, वही बता दो। अरे कुछ करा होगा लड़की ने तभी तो उसे अवार्ड मिल रहा है। बड़ी मी कह रही है फकीर से सर ऊंचा हो गया। हाँ और मुझसे कह रहे आज हमारा सीना चौड़ा हो गया, चलो हम भी कुछ कह पाएंगे। बड़े पापा कह रहे अभी तो पहले अपने B Farm कर ले, मुझसे कह रहे पहले B Farm कर ले, फिर मैं तो जो 2 साल कराऊँगा तैयारी। तो मैंने उनको बताया, हाँ मैंने कहा ऐसे मेरा फ्रेंड कर रहा है, कह रहे नहीं कोई बात नहीं तू पहले ये कर ले फिर मैं 2 साल और कराऊंगा। बस वही हम कह रहे हैं। मैं कहा पर मुझे 2 साल का वेट करने नहीं देते यार, तो मुझे अभी करा दो। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन। और जनता मेरे घर के बहुत पास है यार, ऐसे तुम लोगों को मेरे घर का रास्ता तो नहीं दिख जाएगा। अच्छा मेरी छोड़ यार, जनता बाहर निकल दिया, जनता आ गया, कैमरा है मेरे फ्रंट कैमरा गलत था।
अजीब सा लग रहा है। कैमरा बैक कर दूँ। कौन? आशु। मैंने कह दिया सिस्टम। अरे वो ऐसे करते हैं। पर यहाँ पे क्या लेने आए? बिस्किट। वो भूत वाले बिस्किट कहाँ है? हाँ मुझे पता था। देख दे, अब देख लिया, सुन रहे हो ना सब? फिर अभी कह दो पार्शलिटी होती घर में तो फिर मेरे में कहते नहीं ये पोस्ट नहीं होना चाहिए। वो तो मैंने उस दिन काट दिया जिस दिन वो उसका मैंने करा था क्लीन अप वाला व्लॉग में। तुमने वाला व्लॉग के लिया था ना? मैंने लक्ष्मी भोलू को ज्यादा प्यार दिया ना। मैंने वाला पार्ट काट दिया, मुझे पता था। पता था ना ये? मैंने मैं सुन, मैंने उसमें ट्रिम कर दिया, मैंने वो पोस्ट ही नहीं करा। मुझे पता है वरना घर में हो जाता है ही नहीं। उसके बाद मम्मी ने ठीक करा? हाँ मैंने वैसे कहा, तो मैंने ये नहीं कहा था कि तुम ज्यादा प्यार करते हो। तो मैंने कहा नहीं कहा है, मैंने वाला पार्ट काट दिया, मुझे पता था वरना घर में महाभारत हो जाती है। अभी क्या हो रहा है? तो तुमने यहाँ के मेरे बिस्किट नहीं बोला, तुमने खुद पहले बोलो के बोला। एंड योर शेयर। चलो गाइस अभी पहले हम खरीदारी कर लें, फिर कंटिन्यू करते हैं। देख लो जनता का व्यू, देख लो। आ जाना ठीक है जंक्शन वाले। अरे यार अच्छा ये तो कैबरी का है, हर चीज़ का। हॉट चॉकलेट नहीं, कोकोआ पाउडर मिल गया, ये वाला बहुत अच्छा है गाइस। खाना नहीं नहीं चाहिए। चलो बाय, अभी आगे कंटिन्यू करते, रुको। नहीं और कुछ नहीं चाहिए, पर छोटा बच्चा। तो दोबारा से हम लोग घर आ चुके हैं। मैंने लिया है कुरकुरे। वैसे मैं कुछ भी बाहर का नहीं खाती मैं, क्योंकि वरना मेरे दाने वाने आ जाते हैं। ये कुरकुरे तो मेरे स्पेशली आते हैं। मैं बहुत छोटी थी ना तो मैं 6 महीने के लिए बीमार पड़ गई थी, तो तब से मेरा सब बाहर खाना बंद हो गया था। बट कुरकुरे वगैरह तो खासकर बंद हो गए थे, कुरकुरे टेढ़ा मेरा टकाटे सब बंद हो गए थे मेरे। बट अभी फिर मैंने दोबारा से जब स्टार्ट कर दिया था आज से कुछ साल पहले, मेरा पूरा चेहरा दानों से भर गया था, तो फिर मैंने दोबारा छोड़ दिया था। बट वंस इन अ ब्लू मून चल जाता है, तो मैं बहुत महीनों बाद खाऊँगी, तो फिर आज मैं लिया, मन कर रहा था मेरे खाने का। बाकी हम क्या कह रही थी, हाँ तो बस यही यही सब हुआ आज। सबको बड़ा अच्छा लगा। पता है वैसे क्या, सर्टिफिकेट ना और भी मिल जाते हैं, पर मेरी मम्मी किसी को बताती नहीं। जैसे नानी के घर पे, नानी मतलब मेरी बड़ी मम्मी के घर पे या मेरी मौसी के घर पे बताती नहीं। उनको लगता है ठीक है सर्टिफिकेट तो ऐसे ही रख देती हैं, स्टेटस भी नहीं लगाते। पर आज उन्होंने स्टेटस भी लगा दिया, आज उनको याद रहा होगा। तो मेरी नानी को लगा कि जैसे आज मुझे पहली बार ही कुछ मिला है, तो मतलब कुछ ज़्यादा खुश थी। उससे पहले मतलब मुझे हमेशा ना रेस वगैरह में मिलते थे सर्टिफिकेट्स। फिर कॉलेज में आके तो मुझे सर्टिफिक उसका मिला था, सरस्वती वंदना का ही मिला। दो बार करो, दोनों बार, और एक बार एग्जीबिशन का था, फिर अब ये मिला। उससे पहले और भी थे एक दो, मैंने एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया था, पर उनको उन लोगों ने मुझे दिया ही नहीं। कोई बात नहीं है, मैं हमेशा कॉलेज वालों की बुराई कर देती हूँ अपने ब्लॉग्स में, मतलब जो कमी होती है, सॉरी बेकार के लिए। हमेशा मैं खाली उनकी कमी बता देती हूँ, बट आज चलो उनकी तारीफ भी करती हूँ। थैंक यू दिव्या मैम और राहुल सर, आपने मेरा नाम आगे पहुंचाया अवार्ड के लिए। और क्या, बस इतना ही। बाकी अब कल मिलते हैं जन्माष्टमी के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और ज़्यादा हो गई थकान दिन भर मैनेजमेंट कर करके। नहीं ऐसी मैंने अभी देखा नहीं, क्या हुआ? अरे वही पता है, अभी हम अजंता गए थे ना, तो क्या हुआ वहाँ पे? मैं वही सोच रही इतना अंधेरा क्यों हो रहा है और ब्लॉग ठीक से नहीं बन पा रहा, और क्योंकि वहाँ पे पता लाइट नहीं आ रही थी, सामने का ट्रांसफार्मर फूक गया था। अब पता नहीं हमारे वाले फेस में लाइट आ रही नहीं आ रही, आ तो रही है पता नहीं ऐसे चल रही नहीं चल रही, ये फेस का बड़ा चक्कर है यहाँ पे यार। तो चलो बाकी मिलते हैं कल, तब तक बाय, टेक केयर। सर में हो रहा है मेरे दर्द, मतलब इतना ज़्यादा नहीं हो, पर मुझे खुद नहीं समझ आ रहा मैं क्या क्या बोली जा रही हूँ इतना रुक रुक के। तो चलो बाय।